Why? Tell why? तुझे क्या लगता है? तू भगवान की भेजी हुई कोई दूत है क्या? ऐसे छड़ी घुमाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? अभी तक तुझे समझ में नहीं आया कि तेरे अंदर में तीन तीन देवरानी हैं और सब एक से बढ़कर एक पागल। तू सबके लिए अच्छी जेठानी नहीं बन सकती एक साथ, तो क्यों एक को गोवा एक को सोना दे रही है? हुँ? तेरी चादर इतनी बड़ी हो गई कि इतने तू पैर फैलाने लगी। देख, एक तो पटरानी ने सब जो तमाशा किया ना, वैसे ही मेरा मूड ऑफ है। और अभी तू मेरे दिमाग का प्रेशर कुकर मत बना, कभी भी फट जाएगा। तू जा, जाओ तुम लोग। बिल्कुल मन नहीं है तेरा, बिल्कुल सेवा करने का मन नहीं है। क्यों बैठा है? क्या चाहिए अब मुझसे? माँ, थरा गलत नहीं है। शिवा और रावी को गोवा भेजने का प्लान मेरा और देव का था। चुप चुप चुप! बेटे को छाप। तेरा बस चले ना तो तू धरा माता मंदिर बना दे और हम सबको भेज दे इसमें वहाँ आरती करने के लिए। हाँ, पुजारी तो तू है ही उसका। उसका रायता जो फैला है वो तू समेटने की कोशिश कर रहा है, अपने सर पे ले रहा है टोपला। मुझे सब पता है, जानती नहीं क्या मैं? अरे नहीं माँ, माँ तू समझने की कोशिश कर। ये जो प्लान था ना, वो शिवा और रावी के रिश्ते को सुधारने के लिए। अरे थक गए उनके रिश्ता, सुधारो फिर बिगड़े, फिर सुधारो फिर बिगड़े, ये तो चलता रहेगा पूरी जिंदगी। माँ, शिवा और रावी को हम लोग गोवा इसलिए भेज रहे थे ताकि उन दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। कमरा काफी नहीं है स्पेंड अकेला टाइम करने के लिए? है तो गोवा जाके क्या कर लेंगे? माँ प्लीज। नो मीन्स नो। माँ जा रहा हूँ। हे प्रभु, अब तो 8 हो गए। ऐसे घूमने से नहीं मानने वाली, हो सकता है उल्टा भड़क जाए। क्या कर रहा है? मेरा दिमाग सही जगह पे। इसकी अलग आशिकी चालू है। रिशिता, वो पिंक कलर देना। येलो भी। ऑरेंज भी। ऑरेंज ग्रीन भी दे दे। ए, इतना सारा बाजार कौन उठा के लाया भाई? अब बात दिवाली के खर्चे को लेके झगड़ा होगा घर में, तो गोम्बी के पास क्या ऑप्शन बचेगा खर्चे किए बिना? अब पैसा दिखाना है कि पैसा है तो खर्चा तो करना पड़ेगा। अरे बस करना देव। मैं क्यों बस करूं गोम्बी? जब पैसा खर्च करके ही प्यार दिखाना है तो ये पता तो होना चाहिए ना किसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। समझा समझा के थक गए, पर नहीं, इसे सोने की जगह सोना ही चाहिए। छोटी बच्ची हो क्या तुम जो समझ में नहीं आता?
रिशिता, रिशिता अभी तो आधी रिमांड पूरी हुई है गोम्बी, गोवा जाने के लिए मेरा हलाल होना बाकी है। अरे इतना तो सहना पड़ेगा तुझे। चल यहाँ पे डेकोरेशन हो गई है, बाहर करते हैं। आ जा। हाँ। चल। चल आ जा। क्रिश। हाँ गोम्बी। देख वैसे तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी श्वेता का सच जानने के बाद अगर तुझे लगता है कि तुझे हमसे कुछ बात करनी है या कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो बता सकते हैं, झिझकना मत। हाँ अरे गोम्बी, मैंने शिवा से भी इसके बारे में बात की थी। अब जब मेरे भाई मेरे पास हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले अपने भाइयों के पास ही आऊंगा ना। अच्छा गोम्बी, जब भी श्वेता का नाम लेते हैं ना इसका मन फपल उठता है, आंखें इधर उधर होने लगती है। हमको दिखाने के लिए ऐसे दिखाएगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसको बहुत फर्क पड़ता है। और आप टेंशन मत लो, मेरी नजरें ना इस पर ही, अकेला नहीं छोड़ूंगा इसको। बहुत बढ़िया मेरे जासूस शिवा, ऐसे नजरें गड़ाए रखना इसके ऊपर। अरे क्या यार शिवा, चिल गोजा। यार कब सुधरेगी ये औरत, इसका महान बनने का ये नाटक कब खत्म होगा। दिवाली के दिन होली खेलेगी क्या मेरे साथ? चल बेटा। डोबी थैंक यू भाभी, पर अब मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ ये कौन सा गेम खेल रहे तू? पहले सोना 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 चाहिए और अभी नहीं चाहिए सोना? नहीं माँ, सच में मुझे नहीं चाहिए। तारा भाभी ने मेरी मन की बात रख ली, मेरे लिए ही काफी आप लोग। सच में एक नंबर की डूबी है तू, सोना चाहिए सोना नहीं चाहिए। दिवाली के दिन आई लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता है। लक्ष्मी पूजन में एक कंगन रख देना, फिर अपने हाथों से छिटकी को बनाना, ठीक है? ले। कोई बात नहीं धरा दी, आपने अभी एक मामले को ठंडा किया है ना, दूसरा मुद्दा तो बचा है। धरा दी, जो चीकू की सोने वाली रिंग है ना वो मैंने ना मंदिर में रख दी है पहले से ही। अरे वाह, तो एक काम करते ना, मंदिर पे भी रंगोली बना देते, फूल वूल सजा देते थोड़े। चल मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आ जा। लब फुल्ला माँ। हाँ ये आप पूजा के बाद चुटकी को पहना देना। तूने मांगा था सोना सोना सोना, तू ही पहना ना। मैंने मांगा तो क्या हुआ, चुटकी आपकी कोई नहीं लगती, वो पराई हो गई आपके लिए। बढ़िया ही कोई नहीं लगती चुटकी है, रोज अपना बैग उठा के घर छोड़ के जाने का धमकी है, वो क्या अपने पन के लक्षण है? मन मुटाओ, बनता है इतना बड़ा परिवार है तो हर बार बैग उठा के मैं अपने मम्मी डैडी के घर जा रही हूँ। चल चल मैं पहना दूंगी, पर एक प्रॉमिस देना पड़ेगा, आज के बाद कभी भी घर छोड़ने की बात नहीं करेगी तू। पक्का प्रॉमिस?
माँ मैं ना अपनी बैग ही कहीं छुपा देती हूँ। हाँ मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर के नीचे। I love you, माँ। चल अब बहुत हो गई नोटबुक, चल लो पहना देंगे। ए मारकुंडी, तेरे बॉस ने तुझे बोनस दिया कि नहीं दिवाली का? बोनस तो नहीं दिया माँ। नहीं क्यों? है कितना कंजूस है, इतना काम कराता है, बॉस से और बोनस नहीं देगा? बोल देना मैंने कहा है बोनस देना पड़ेगा। ठीक है बोल दूंगी, ये लो लगा दो।